शांतनु हमें प्रोजेक्टर का सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बताइए ना, प्रोजेक्टर कैसे सेट किया जाता है, करना है एक्सटेंड करना है, सब उसके बारे में बताइए थोड़ा। ओके, विंडोज की पे वो दबाएंगे। डुप्लीकेट से क्या होता है बेटा? डुप्लीकेट में पीसी भी चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पीसी भी यहाँ पे चालू है, पीसी का स्क्रीन भी चालू है और प्रोजेक्टर का भी स्क्रीन चालू है। और सेकेंड पीसी स्क्रीन है, पीसी स्क्रीन ऑनली करने से क्या होगा? पीसी बार चलेगा प्रोजेक्टर यहाँ। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ पीसी में चल रहा है और लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर में क्या है, बंद है। ओके, वहाँ फिर से नेक्स्ट कौन सा सेटिंग है बेटा आपके पास? स्क्रीन है। सेकंड स्क्रीन ऑनली में क्या होगा? यहाँ पर क्लिक करेगा तो पीसी बंद हो जाएगा और यहाँ पर चालू होगा। तो पीसी उन्होंने किया है सेकंड स्क्रीन ऑनली, यानी ये चालू रहेगा और ये बंद हो जाएगा। इसका फायदा क्या होता है बेसिकली कि जब भी क्या करना होगा कि यहाँ पे हम बैटरी बचाना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे क्या हो रहा है उसका बैटरी बचाना चाहते हैं और सिर्फ यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? सेकंड स्क्रीन ऑनली। बेटा आप पीसी स्क्रीन ऑनली कब करोगे? ओके, वेरी गुड। यानी सर कुछ पढ़ा रहे होंगे, उनके व्हाट्सएप पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट आए तो वो नहीं चाहेंगे कि बाकी सब चैट उनका कोई देखे, इसलिए उस समय वो क्या करेंगे? स्क्रीन ऑनली करेंगे। यानी पीसी प्रोजेक्टर को शटडाउन नहीं किया जाएगा, प्रोजेक्टर थोड़े टाइम के लिए मतलब उसका स्क्रीन बंद हो जाएगा, सिर्फ पीसी का स्क्रीन फिर भी चालू रहेगा। अच्छा, एक्सटेंड कब यूज होता है? एक्सटेंड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। यस, यानी दो पेज का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक पेज खोलना है, वहाँ पे एक पेज खोलना है, तो भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जोरदार ताली बजाएं संतनु।